नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उन्नाव से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी शपथ दिलाई गई। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की उपस्थिति में आंवला एवं नीम के पौधे भी रोपित किए गए। ये न्यूज टुडे से कुलदीप यादव की रिपोर्ट। उन्नाव पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के नेतृत्व में पर्यावरण को सुरक्षित करने की समस्त जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कोतवाली क्षेत्र के बाराखेड़ा गांव निवासी युवक ने लगाई फांसी। संदिग्ध परिस्थितियों में 23 वर्षीय युवक का फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला शव। पुष्पेंद्र शर्मा पुत्र शंभु प्रसाद ने रविवार रात अज्ञात समय आम के बाग में लगाई फांसी। फहरपुर गड़ी मोड़ के पास पंचर और गाड़ी धुलाई की दुकान चलाता था युवक। सुबह ग्रामीणों ने पेड़ से लटकता देखा शव तो मचा हड़कंप। सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ए न्यूज टुडे से लोकेंद्र सिंह लक्की की रिपोर्ट। उन्नाव नगर पंचायत हैदराबाद चेयरमैन डॉक्टर बिजेश कुमार वर्मा ने जीत के बाद युवाओं के कहने पर करवाया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। नगर के समस्त सभासदों की सहमति को संज्ञान लेकर चेयरमैन ब्रिजकिशोर वर्मा ने करवाया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। अपने कार्यों को छोड़कर दर्शक सैकड़ों की तादाद में पहुंचे क्रिकेट टूर्नामेंट स्थली पर। सेमीफाइनल में लखनऊ और नगर पंचायत हैदराबाद की दोनों टीमों ने ताबड़तोड़ किया प्रदर्शन। नगर पंचायत के समस्त सभासदों व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ नव निर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर बिजेश कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। ए न्यूज टुडे से कुलदीप यादव की रिपोर्ट। नाव से जुड़ी प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।